हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे नया मोबाइल सेल जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल। एंड ये सेल में से मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर 15 बेस्ट स्मार्टफोन डील यहाँ पर पिक करा हूँ। लाइन से सारे ऑफर्स के साथ में सारी डील्स की डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट के बारे में। तो सेल की डेट जो है 11 जून से लेकर 17 जून के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो रात 12 बजे से ऑलरेडी आप लोग के लिए सेल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है। कोई स्मार्टफोन पे 3,000 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे 750 का है, किस पे 1,500 रुपए का है। तो जैसे जैसे आपको ऑफर वगैरह मिलते हैं वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। सो गाइस, चलिए मैं लाइंस आपको 15 बेस्ट स्मार्टफोन डील की यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें, बजट के हिसाब से काफी तगड़ी डील है। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, जी हाँ, रिसेंटली इन्फिनिक्स ने इसे इंडिया में लॉन्च करा था। 464 वाले वेरिएंट के एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 8,500 रुपए है। लेकिन एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे 750 रुपए का ऑफ है। इफेक्टिवली आपको पड़ेगा 7,750 रुपए में। जी हाँ, वो प्राइस पॉइंट पे किलर डील है। 6,000 एमएच की बैटरी, यूनिसॉक T610 की तगड़ी परफॉर्मेंस, प्लस यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले वगैरह काफी बड़ी साइज का देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड बेस फ्रेंड में आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिल रही है 7,700 रुपए के आसपास। काफी सॉलिड डील है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, वन ऑफ द बेस्ट डील है यहाँ पर ये सेल में से। यानी डील आपको देखने को मिलती है रियलमी 9 5G स्मार्टफोन पे, जिसका जो बेस फ्रेंड है उसके एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 16,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर आपको 5,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 3,000 रुपए का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड पर ऑफ है, 2,000 रुपए का यहाँ पर प्रीपेड का ऑफ है। तो 16,000 रुपए का फोन आपको मिलेगा 11,000 रुपए में। एंड 11,000 रुपए में एक्सीलेंट 5G स्मार्टफोन कहूंगा। डिजाइन अच्छा मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले दिया गया है। डायमेंसिटी 810 5G की तगड़ी परफॉर्मेंस है। कैमरास वगैरह कहूंगा डिसेंट है। 5000 एमएच बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग। तो 11,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, वो है रेडमी नोट 10S स्मार्टफोन पे। जी हाँ, पुराना जरूर हो चुका है बट डील अच्छी मिल रही है। 664 वाला वेरिएंट ऐसे तो 15,000 रुपए का मिलता है, लेकिन ऑफर में दिया जा रहा है 13,000 रुपए में। एंड इस पे भी 2,000 रुपए का आपको प्रीपेड एंड बैंक ऑफर वगैरह मिला के मिल रहा है डिस्काउंट। तो इफेक्टिवली स्मार्टफोन आपको मिल रहा है सिर्फ 11,000 रुपए में, 664 वाला वेरिएंट। वो प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में भी आप ये स्मार्टफोन का कंसीडर कर सकते हो। डिजाइन यहाँ पर भी जबरदस्त देखने को मिलता है, एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सेंटर पंच होल के साथ में। हीलियो G95 की डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, प्लस कैमरास वगैरह 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप, 5000 एमएच बैटरी, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 33 वॉट की चार्जिंग। अमेजिंग डील है, 11,000 रुपए के आसपास का बजट है। एक सॉलिड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, ये स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील है यहाँ पर सैमसंग लवर लोग के लिए। भाई बोलते ना 15,000 रुपए में सैमसंग का फोन बताओ, तो सैमसंग F23 5G जी, एक्चुअल प्राइस पॉइंट तो काफी महंगे में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो इसका 428 वाला वेरिएंट है आपको ऑफर में दिया जा रहा है 15,000 रुपए में। एंड अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो आपको मिलेगा सिर्फ 14,000 रुपए में। एंड 14,000 रुपीज के हिसाब से अगर आप सैमसंग का फोन देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डील, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन तो टिपिकल सैमसंग वाला मिल जाता है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। स्नैपड्रैगन 750G की तगड़ी परफॉर्मेंस है, अच्छे खासे 5G बैंड के साथ में, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग है, वन UI का सपोर्ट है। तो अगर आपको 14,000 रुपए के आसपास का बजट है, सैमसंग का ही फोन लेना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड 5G भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करिए, अगेन एक सैमसंग के फोन की, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई 10,000 रुपए के अंदर का बजट है, सैमसंग का ही फोन लेना है, तो उन लोग के लिए यहाँ पर सैमसंग F22, जी हाँ, ऐसे तो ये 13-14,000 रुपए के आसपास कुछ मिलता है, लेकिन ऑफर में सिर्फ आपको मिल रहा है 10,500 रुपए में। उस पर भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे आपको मिलेगा 9,750 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। हीलियो G80 की डिसेंट परफॉर्मेंस कहूंगा। कैमरास वगैरह आपको काफी बढ़िया सी देखने को मिल जाता है, वन UI का सपोर्ट है, 6,000 एमएच के आसपास की आपको बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो कुल मिला के 10,000 रुपए के अंदर का बजट है, डेफिनेटली सैमसंग का फोन चाहिए, ये स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, तो ये आपको देखने को मिलती है पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन पे। जी हां, इसका जो 664 वाला वेरिएंट है 19,000 रुपए में लॉन्च करा गया था, लेकिन यहां पर अभी सिर्फ मिल रहा 17,000 रुपए में। उस पे भी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको मिलेगा फोन सिर्फ 16,000 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, डिजाइन अच्छा है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है, प्लस स्नैपड्रैगन का 695 वाला 5G चिपसेट, अच्छे खासे 5G बैंड, कैमरा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बड़ी बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है 16,000 रुपए में। डेफिनेटली तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, तो आपको देखने को मिलती है पोको M4 Pro 4G, जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ
में आता है। 664 वाले की वेरिएंट के एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 15,000 रुपए, लेकिन ऑफर में आपको दिया जा रहा है 13,000 रुपए में। उस पर भी अगर आप HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करते हो आपको मिलेगा सिर्फ 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन की लिस्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। Helio G96 की आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। कैमराज वगैरह ये फोन में आपको काफी बढ़िया से मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट का चार्जर, जबरदस्त डील है। 12,000 रुपए में 6GB रैम वाला वेरिएंट आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो 20,000 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट डील है, ये आपको देखने को मिलती है Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन पे। जी हां, 628 वाले वेरिएंट के एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 25,000 रुपीस, लेकिन यहां पर आपको डिस्काउंट तगड़ा मिल रहा है। 4,000 रुपए का प्रीपेड का ऑफ है, 750 रुपए का एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ऑफ है, तो इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है सिर्फ 20,250 रुपए में। आग बंद करके ये प्राइस पॉइंट पे ये फोन को ले सकते हो। डिजाइन अच्छा है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 920 5G की तगड़ी परफॉर्मेंस, अच्छे खासे 5G बैंड है, कैमरास वगैरह तगड़े देखने को मिलते हैं, साथ ही में 5000 एमएच के आसपास की बैटरी मिल जाती है, 67 वॉट की इनसेन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो कुल मिला के 20,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं रियलमी नार्जो 50 स्मार्टफोन पे। जी हाँ, जो इसका बेस वेरिएंट है आपको 13,000 रुपए का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 1,500 रुपए का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड पर ऑफ है, 1,500 रुपए का आपको प्रीपेड का ऑफ मिल रहा है। इफेक्टिवली स्मार्टफोन आप ले पाओगे सिर्फ 10,000 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे इनसेन डील कहूंगा। 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ में। Helio G96 की आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, प्लस 50MP का ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप है, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, तो 10,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए डेफिनेटली नार्जो 50 की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलती है इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना 10,000 रुपए के अंदर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जी एक्चुअल प्राइस पॉइंट जो 12-13,000 रुपए की थी, लेकिन अगर आप सारे डिस्काउंट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो इफेक्टिवली मिलेगा 9,750 रुपए में, अंडर 10,000 रुपीज में, वो प्राइस पॉइंट पे स्टिल काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। डिजाइन आपको बॉक्सी टाइप का देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, Helio G88 की डिसेंट परफॉर्मेंस है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, डिसेंट कैमराज है, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, तो 9,750 रुपए के आसपास का बजट है, एक सॉलिड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए AMOLED डिस्प्ले के साथ में, डेफिनेटली आप इन्फिनिक्स नोट 11 की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए उन लोगों के लिए, रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन। जी हाँ, जो इसका 628 वाला वेरिएंट है, ऐसे तो आपको मिलता है 20,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर आपको 4,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 2,000 रुपए का ऑफ है, 2,000 रुपए का प्रीपेड का ऑफ है, तो इफेक्टिवली आप ले पाओगे 15,999 पे, वो प्राइस पॉइंट पे काफी सॉलिड स्मार्टफोन डील है। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, मतलब 16,000 रुपए में 778G इनसेन परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी, साथ ही में कैमरा जो मैं कहूंगा डिसेंट है, 5000 एमएच की बैटरी, 30 वॉट की चार्जिंग, तो कुल मिला के 16,000 रुपए के आसपास का बजट है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन डेफिनेटली आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, मेरी फेवरेट डील है रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन। जी हां, एक साल से थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है, बट स्टिल ये ऑफर में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। जो 628 वाला वेरिएंट है, ऐसे एक्चुअल प्राइस पॉइंट 18,000 रुपए, लेकिन ऑफर में मिल रहा है 16,000 रुपए में। इस पे भी आपको 500 रुपए का प्रीपेड का ऑफ है, 1,000 रुपए का ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ऑफ है, इफेक्टिवली आप ले पाओगे 14,500 रुपए में, 14,500 रुपए में बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। ग्लास बैक देखने को मिलता है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 732G की डिसेंट परफॉर्मेंस, कैमराज वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 15,000 में, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, आयर ब्लास्टर, 3.5 हेडफोन जैक, सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको 5G से लेना देना नहीं है, 14,000 से 15,000 रुपए के आसपास का बजट है, मैं बोलूंगा डेफिनेटली डील को आग बंद करके आप जो ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलती है मोटो G31 स्मार्टफोन पे। जी हाँ, एक्चुअल प्राइस पॉइंट 13,000 रुपए के आसपास है, ऑफर में दिया जा रहा है 11,000 रुपए में, एंड एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे आपको मिलेगा 10,250 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है, फॉर्म फैक्टर अच्छा दिया गया है, AMOLED डिस्प्ले पंच होल के साथ में, Helio G85 की डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैमराज वगैरह आपको डिसेंट देखने को मिलते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, साथ ही में 5000 एमएच बैटरी, 20 वॉट का टर्बो चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो अगर आप नॉर्मल टाइप के यूजर हो, ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, लेकिन आपको स्टॉक एंड्रॉइड एंड AMOLED डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन चाहिए, डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो, 10,250 रुपए में एक्सीलेंट डील है। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, फ्लैगशिप किलर टाइप की डील है, यानी आपको देखने को मिलती है रियलमी GT2 स्मार्टफोन पे। जी हां, जो 828 वाला वेरिएंट है, ऐसे तो 35,000 रुपीस का मिलता है, लेकिन इस पे डिस्काउंट 5,000 रुपए का मिल रहा है फ्लैट UPI, मतलब अगर आप गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या जो भी UPI वाले पेटीएम वगैरह से अगर आप पेमेंट करते हो 5,000
₹10,000 का फ्लैट डिस्काउंट है एंड इफेक्टिवली आप ले पाओगे ₹30,000 में। वो प्राइस पॉइंट पे इनसेन डील है। आपको डिस्प्ले तगड़ा मिल जाता है, 120Hz का E4 AMOLED डिस्प्ले, पेपर वाला आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 888 की इनसेन परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरास वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं, OIS का सपोर्ट भी है, बैटरी लाइफ अच्छी है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कुल मिला के आपका बजट है अराउंड ₹30,000। डेफिनेटली रियलमी GT2 की तरफ आप देख सकते हो। तो गाइस ये 15 बेस्ट स्मार्टफोन डील्स थी जो कि आपको फ्लिपकार्ट के एंड ऑफ सीजन सेल में देखने को मिल रही है। मैं सोचा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है 15 डील्स में से आपको सबसे फेवरेट डील कौन सी लगी, क्या आपने ऑलरेडी ये डील्स में से कोई डील को ग्रैब कर चुके हो या वीडियो देखने के बाद कोई डील को ग्रैब करने की सोच रहे हो। जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज है यहाँ पर ये सेल को लेकर मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।